हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कटहल की सब्जी बनाने का बहुत ही स्वादिष्ट तरीका। और इस सब्जी के आगे सारे नॉनवेज भी फेल है, और ये इतना स्वादिष्ट बनता है ना कि अगर आप इस तरीके से एक बार कटहल की सब्जी बना के खा लेते हैं तो इसके आगे आपको सारे नॉनवेज फेल लगने लगेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 केजी कटहल लिया है, जिसे मैंने बड़े पीसेस में कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कुकर को गर्म होने देंगे। देखिए कुकर गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कटहल को ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा जो कटहल है वो एकदम अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो देखिए कटहल एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में अलग से निकाल के रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कटहल को निकाल के रख लिया है अलग से। अब हम फिर से कुकर में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और हम ऑयल को गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 4 सूखी लाल मिर्च, 3-4 तेजपत्ता, थोड़ा सा साबुत जीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी, 4-5 लौंग और 1 टुकड़ा जावित्री लिया है। अब हम खड़े मसालों को मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए खड़े मसाले हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस टाइम में इसमें 3 मीडियम साइज का एकदम फाइन चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड करेंगे। अब इसमें हम 10 से 12 कली लहसुन भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा जो ऑनियन है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज का टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे भी हम मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए टमाटर से ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी कि टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि मसाला से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए मसाला से भी ऑयल सेपरेट होने लग गया है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने जो कटहल को फ्राई करके रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस टाइम में इसमें 1.5 चम्मच मीट मसाला ऐड करेंगे। मीट मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और कटहल की सब्जी में मीट मसाला जरूर डालें, जिससे कि कटहल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कटहल को भी मसालों के साथ फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ऐड किया है, आप चाहें तो यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 3 सीटी आने तक पकने देंगे। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो देखिए कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे। तो देखिए क्या खुशबू आ रहा है कटहल की सब्जी से। अब इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट कटहल की सब्जी बनकर रेडी है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।
अब मैं आपको गर्मा गर्म कटहल की सब्जी को सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया कटहल की सब्जी बनकर रेडी है। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। और इस तरीके से अगर आप कटहल की सब्जी बनाते हैं ना, तो यकीन मानिए कि इतना स्वादिष्ट बनेगा ना कि अगर आप इस तरीके से इसे एक बार बना के खा लेते हैं तो आप इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार कटहल की सब्जी जरूर बना के देखिए। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इसे एक बार आप बना के खा लेंगे तो इसके आगे आपको सारे नॉनवेज लगने लगेंगे। तो अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।